Hello friends, this is Bharatkumar, the voice trainer at this voice modulation workshop and voicemodulationtraining.com. And today we have come to an end of another workshop which we had conducted in Thane. And after a long time, I conducted this workshop Thane mein, aur bahut logo ka request, bahut logo ki request thi ki Thane mein bhi aap aaiye, andheri bahut dur hai and all. Okay, so we had really some awesome participants, all of them are awesome. Yes, और बहुत मजा आया ये दो दिन कैसे बीते सच में पता नहीं चला और सैड पार्ट है अभी वापस हमें अपने अपने जो भी काम कार्य है उसमें जाना पड़ेगा बिना ग्लिसरिन के लोग रो रहे हैं जैसे आप देख सकते हो ओके सो लेट अस सी व्हाट इज द फीडबैक व्हाई डिड दे कम और क्या सच में इन्होंने कुछ सीखा इस 12 घंटों में इन 12 घंटों में इन दो दिनों में यस वी विल स्टार्ट विद उज्जवल उज्जवल इज वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट बहुत अच्छी कंपनी में क्यों आए आप यहाँ पे ओके सो पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप बहुत गूगल सर्च करोगे यहाँ आने से पहले कि टॉप वॉइस ओवर इंस्टीट्यूट इन मुंबई एंड ऑल दैट लेकिन मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो दो दिन मैंने वर्कशॉप किया जितना आप मुझे लगता है दो तीन महीने में सीखोगे ना आपको बहुत रीजनेबल में और एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन से आप सीख सकते हो जिनका नाम भरत कुमार थानवी थानवी है ये चीज़ें मैं सीख रहा हूँ सो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट आप प्लीज़ इनके पास आएँ दो दिन की वर्कशॉप ज्वाइन करें एंड समझें कि क्या आगे आप वॉइस ओवर एंड डबिंग में आपका करियर है किस तरीके से आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं तो वो दो दिन की वर्कशॉप बहुत वैल्यूएबल वर्कशॉप है तो प्लीज़ कम हियर एंड विजिट टू सर ये आपको बहुत जेन्युइन फीडबैक्स देंगे और काफ़ी चीज़ें सिखाएंगे जैसे हमने काफ़ी प्रोनंसिएशन डिक्शन पे वर्क किया है और टेक्निकल चीज़ें बहुत प्रॉपरली सर ने बताई हैं एंड स्क्रिप्ट्स आपको पूरी अच्छी तरीके से कैसे स्क्रिप्ट को जस्टिस करना है जस्टिफाई करना है अपनी वॉइस पे कंट्रोल करना है काफ़ी चीज़ें इन्होंने सिखाई हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर थैंक यू सो मच एंड इज़ अ वेरी गुड मिमिक्री आर्टिस्ट और बहुत हंसाया इन्होंने इज अ वेरी यूनिक टैलेंट ओके थैंक यू सो मच उज्जवल फॉर दोज लवली वर्ड्स और अब हम आते हैं डॉक्टर संजय शेटे के पास जो सेलिब्रिटी डॉक्टर है जो टीवी पे आ चुके हैं और बहुत कुछ कर चुके हैं और हमें बहुत सारी चीजें सीखने मिली फ्री ऑफ कॉस्ट ओके सो लेट अस सी कि इन्होंने क्यों ज्वाइन किया ये वर्कशॉप उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर आपने जो वर्कशॉप कंडक्ट किया स्पेशली थाने में वैसे तो आप ग्रैंड रोड में या अंधेरी में काफी हमेशा करते रहते थे पिछले कई सालों से कई महीनों से मैं आपको सर्च कर रहा था फॉलो कर रहा था लेकिन थाना में नहीं मिला था लेकिन आज ये थाना में वर्कशॉप करने के करके आपने बहुत बड़ा हम पर क्या बोलते ना एक बोझ कम कर दिया एक अपॉर्चुनिटी खड़ा करके दिया आपने और वो भी साथ में हमारे योगेश जी है जिनका ये स्टूडियो है जिन्होंने बहुत ही बढ़िया कोऑपरेट किया है दो दिन में उन्होंने जो एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया हमें वो दिल से चाहूँगा कि योगेश जी का साथ हमारे साथ में होना चाहिए और आपका जो सिखाने का तरीका है जी बहुत ही सुंदर है जिन्होंने ये आवाज़ को खोलने के लिए ये आवाज़ कैसे डेवलप होता है या फिर मॉड्यूलेशन मतलब क्या चीज़ है और उसे करने से क्या फ़ायदे होते हैं ये सब अब तुम बता ही दिया टेक्निकली और नॉन टेक्निकली भी जिससे हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हालांकि मैं यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सर्च कर रहा था कहाँ पर होगा क्लासेस होगी बहुत सारे क्लासेस में मैंने देखा भी है और उनकी फ़ीस भी देख ली है काफ़ी हाई फीस होती है लेकिन उनके पास से उनका जो फीडबैक है वो जो स्टूडेंट्स को जो मैंने कॉलिंग किया इतना सारा देखने के बाद पता चला कि इसमें जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो ले रहे हैं उसमें जो दे रहे हैं कंटेंट्स उनका कंटेंट्स वो स्टूडेंट भी सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ पर आने के बाद मेरा सबसे पहला ये था कि मैं इसमें ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ लेकिन सर जी के बारे में काफ़ी मैंने सुना था उनके इंटरव्यू के ऊपर भी काफ़ी पढ़ा था उनका स्टूडेंट फीडबैक भी मैंने देखा था लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद रियल में पता चल रहा है कि यस वो जो फीडबैक था वो रियल फीडबैक है आज अभी भी हम लोग जो दे रहे हैं वो भी रियल फीडबैक है जिसमें कोई गुंजावट नहीं क्योंकि ले जो बात दिल से आती है वो स्पॉन्टेनियस आती है ना जो सोच सोच के आती है वो तो शायद मिलावट वाली होती है तो मिलावट वैसा नहीं तो यहाँ पर हम लोग ये देने की कोशिश कर रहे हैं या सर जो बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट करना है जो रोज का प्रैक्टिस करना चाहिए अगर हम लोग ने वो प्रैक्टिस किया तो डेफिनेटली हम लोग भी एक वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं जहाँ की हमारा प्रोफेशन टोटली अलग है इसमें ये प्रोफेशन में आने का कोई लिंक ऐसा कोई लिंक नहीं था लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि यस कहीं तो एक लिंक मिल चुकी है और यहाँ से ये कड़ी पकड़ के अगर हम लोग आगे चले तो हम लोग भी एक दिन वो आर्टिस्ट तक पहुँच जाएंगे और उसके लिए ये हमारा शुरुआत है ऐसे हम लोग बोल सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच भरत सर इवन योगेश जी
आपका कोऑपरेशन बहुत ही अच्छा है और ऐसे ही रहना चाहिए और ऐसे आने वाले सभी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए जो आपके लिए कमर्शियली भी होगा और आपके लिए एक बोलना एक यस आपने दो दिन हमारे हमें जो झेला है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच ओ वाह वो कमर्शियल वाला बोलना नहीं चाहिए था रमेश जो बहुत ही अंदर इनके कलाकारी है जो धीरे धीरे पता चली वर्कशॉप में पहले तो एकदम सहमे सहमे लग रहे थे कल जब आए थे अब जैसे माइक पे आ गए कुछ अलग ही बन जाते हैं यस रमेश व्हाट इज योर फीडबैक सर ने बिल्कुल सही फरमाया पहले तो मुझे ऐसे माइक देख के ही घबराहट होती थी और मेरे फ्रेंड्स मेरे कलीग्स ने काफ़ी मुझे बोला था कि रमेश तू एक बिल्कुल एक फ्लैट टोन में बात करता है ऐसा लगता है कि तू पढ़ रहा है ऐसा लगता ही नहीं कि तुम बात कर रहे हो किसी से लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि किन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए किन शब्दों में स्ट्रेस देना चाहिए ताकि ऐसा लगे कि तुम बात कर रहे हो या कुछ मैसेज कन्वे कर रहे हो किसी को तो ये जो चीज़ है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैंने यहाँ आकर सीखा इसके अलावा काफ़ी एक्सरसाइजेस सर ने सिखाई जिससे हम लोग को एक स्टार्ट मिल गया है ताकि हम लोग आगे अगर मुझे कुछ और बनना है तो उसके लिए बिल्कुल एक स्टार्ट मिल चुका है मुझे और दो दिन मतलब दोस्तों के साथ पार्टिसिपेंट्स के साथ योगेश सर के साथ भरत सर के साथ कैसे भी दिया बिल्कुल पता नहीं चला मतलब इतना इन्वॉल्व हो रहे थे हम लोग तो चाहते थे कि सेशन और थोड़ा लंबा चले या खत्म ही नहीं हो ना हो मतलब इतने इन्वॉल्व हो गए थे हम लोग और इतने मतलब ऐसे बिल्कुल नहीं लगा कि हम लोग किसी प्रोफेशनल या किसी सर से कोई ट्रेनर टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं ऐसे लगा कि किसी कोई दो समय पढ़ा रहा है और फीडबैक भी ऐसे मतलब ऐसे बिल्कुल नहीं लगा कि कोई प्रोफेशनल दे रहा है ऐसे बिल्कुल लगा कि कोई मैं अपने किसी मित्र के साथ बैठा हूँ और वो मुझे सिखा रहा है और वो मुझे फीडबैक दे रहा है वैसे तो बहुत बोलने के लिए मैं बोलता जाऊंगा अभी रुलाओगे क्या रियल रियल रुलाओगे अभी अभी सर हमारी दो दिन क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं विदाउट फीस ऐसा इनको लग रहा है चलो थैंक यू सो मच रमेश फॉर दोस लवली वर्ड्स बहुत मजा आया आपके साथ काम करके यस Now coming to Unnati, who is a dancer, cinematographer, multi-talented, Miss Thane or kya kya, I don't know. अच्छा वो ठीक है ना बना देंगे ओके चलो जोक्स अपार्ट अ वेरी बिग थैंक यू टू भरत तन्वी सर बिकॉज उनका रेफरेंस का ईमेल आया मुझे कि डबिंग के लिए वर्कशॉप्स हो रहे हैं अंधेरी में और मैं हूँ मीडिया बैकग्राउंड से तो स्पेसिफिकली मुझे डबिंग का कुछ आइडिया नहीं था आई एम अ सिनेमेटोग्राफर तो कैमरा का थोड़ा बहुत पता है कि कैसे शूट होता है डबिंग वॉइस ओवर पता नहीं कैसे होता है मतलब टेक्निक्स क्या है मेरी आवाज़ मुझे खुद को पता नहीं है कि मैं कैसे बोलती हूँ क्या बात करने के तौर तरीके होते हैं लोगों को कैसे सुनना पसंद है लोगों को क्या पसंद है तो यहाँ आके मैंने जब सुना कि भरत तन्वी सर आ रहे हैं एंड ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन डाउन टू अर्थ वो उनका मतलब सुपीरियोरिटी कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आता है उनका टैलेंट ही उनकी सुपीरियोरिटी है एंड ही इज़ अ जेम तो उनका जो कन्वर्जेशन था हम लोग के साथ ही डिड नॉट फील मेक अस फील दैट वी आर बिगनर्स और एनीथिंग ही जस्ट कीप केप्ट ऑन मोटिवेटिंग अस लास्ट टू डेज एंड वी ऑल्सो फेल्ट दैट वी हैव टू डू इन टू डबिंग इंडस्ट्री एंड दैट बिकेम इन मोटिवेशन कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं डबिंग इंडस्ट्री में एंड वी कैन ट्राई आउट ऐसा नहीं कि हमें मिल ही जाएगा वॉइस ओवर वी कैन जस्ट गो एंड गिव ऑडिशंस एंड जस्ट गिव आवर सैंपल्स ओवर एनीवेयर सो वेरी बिग थैंक यू टू हिम एंड आई गॉट फ्रेंड्स यस सेम दीज आर लाइक मेमोरीज एंड दीज आर इनसेपरेबल बॉन्ड्स फॉर लाइफ यू कांट जस्ट एक्सपेक्टेड एंड दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड थैंक्स टू योगेश ऑल्सो फॉर हिज फैंटास्टिक स्टूडियो सेटअप that we couldn't find and just thanks a lot yeah thank you so much Unnati aap bhi rulaoge hame okay now coming to Mayuri yes Mayuri why did you join this workshop kya sach mein kuch seekha wahi sari cheeze yes thank you so,
So actually I was looking for a voice recording studio for almost 2 years. Almost 2 years I have been really looking for something that I can train my voice for. I always felt that my voice had so many problems and I had to work on it. And I think voice is something, you need not be a recording artist, you need not be a voice artist to think that you should improve your voice. It's our weapon. Everybody needs to have a good voice so that we can communicate than we talk. So I spoke to sir one fine day. I got a message, I spoke to sir, and the moment I heard his hello and the moment he spoke to me, that voice conveyed so much that I did not like YouTube him or Google him. His voice was there. It reached me and I understood this person knows voice. He understands sound. He can help me to be better. And that is when I decided, irrespective of what the fees was, what location was, I decided that I will learn from him. And then I came here and it was such an unexpected journey. It's not a course that we had in the last 2 days. It was a party. Mm-hmm. It was an absolute party atmosphere. Right. So it was a beautiful combination of technical knowledge alongside the beautiful knowledge, a very comprehensive idea about voice, how to develop it, how to work on it. So he digressed from the topic. He stuck to his topic. He gave us the information. He gave us the knowledge. The technicalities were beautifully explained right from the words. Like, we were going to record the next day. I was like, I'm never going to record. Why is he teaching me all this? But he still taught me every single functionality of voice, the mic, how it is placed and everything. And at the same time, it was such a friendly atmosphere. It never looked like a knowledge or notes or a hard work to me. It just came very lucid. It was beautifully, very fluid, and it was very amazingly organized. Yogesh is such an amazing guy. I mean, he's always there for you. He makes you feel at home. He helps you in every small thing. He is the owner of the studio, but he gives us tea in the morning. He's such a sweetheart. So the beautiful combination this team has and the kind of atmosphere we had here, this is a very genuine feedback that I love these 2 days, irrespective of what I learned these 2 days. It's the most memorable days of my life. So thank you everybody. Yeah. Thank you everybody. Thank you. Thank you so much. And Mayuri was such a sport. और बहुत इन्होंने भी हंसा और खुद भी बहुत हंसी. Yes. Okay. So thank you all of you. मैंने भी बहुत कुछ सीखा. Okay. Yes. So friends, if you are interested in joining such kind of workshop, or if you are interested in improving your voice, or you want to make a career in voiceovers, dubbing, anchoring, acting, radio jockeying, बहुत सारे हमारे students voice industry में काम कर रहे हैं. They are doing well and we are proud of them. और जल्दी हम उनपे videos बनाएंगे, उनके interviews लेंगे, and we'll let you know what exactly, where they are, what did they do. Okay, so you can contact us on our Facebook page, Voice Modulation Workshop, YouTube channel, Voice Modulation Training with Bharatkumar Thanvi, and our website, voicemodulationtraining.com. Till then, bye-bye from all of us. Ooh-wah! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind!